Hey students, good morning. Welcome back to my YouTube channel. Actually, students considered history is a very boring subject. They also feel boredom in the history class or social science class. And some students feel sleepy also. And the most important thing, today I am going to start the history chapter French Revolution. Then you also feel sleepy. No. Actually, मैं आपको एक स्टोरी टेलिंग मेथड से इस चैप्टर को इजी वे में समझाने वाली हूँ. सो आप अटेंशन पे कीजिएगा. बिफोर स्टार्ट दिस चैप्टर वी सी द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर. व्हेन यू कंप्लीट दिस चैप्टर यू आर फैमिलराइज विद द नेम्स ऑफ पीपल हु इन्वॉल्व्ड इन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड you also familiarize with the ideas that inspired the revolution. Actually, history जो होती है वो आपको past में की गई गलतियों से सिखाती है कि आप उनको future में repeat ना करें. And through this chapter, you also know the importance of the use of written, oral and visual material to recover the history. We have to learn a 10-year period, start from 1789 to 1799, in which in France so many social and political changes occurred, and in changes ka modern world ke upar bahut gehra इम्पैक्ट पड़ा था. द पीपल ऑफ फ्रांस एबॉलिस्ड मोनार्की एंड दे मेड फ्रांस अ रिपब्लिक. दे फॉट अगेंस्ट द डिक्टेटरशिप ऑफ नेपोलियन एंड एंडेड हिज डिक्टेटरशिप. दे गेव द आइडियल आइडियाज टू द वर्ल्ड एंड दोज आर लिबर्टी, फ्रैटर्निटी एंड इक्वालिटी. On 14th July 1789, city of Paris was in a state of alarm. State of alarm? Aisa kya ho gaya tha? What happened there? Actually, the people of France got to know that the king had planned something against them. And they also got to know that the king ordered troops to move in the city and to open fire on the citizens. And for that, 7,000 men and women make a army against the king and oath to fight against the king. But how could they fight without the arms and ammunition? आर्म्स और एमिनेशन लेने के लिए 7,000 मैन एंड वुमेन फोर्सिबली एंटर्ड इनटू गवर्नमेंट बिल्डिंग एंड वहाँ से सारा आर्म्स एंड एमिनेशन लेकर दे अटैक ऑन द प्रिजन ऑफ बास्टिल. द पीपल ऑफ फ्रांस हेटेड दिस बास्टिल बिकॉज बास्टिल को वो अपने किंग की एब्सल्यूट पावर का कैरेक्टरिस्टिक समझती थी. एब्सल्यूट और डेस्पोट मीन्स ऐसा किंग जो सारी पावर्स अपने कंट्रोल में रखता है. और द किंग ऑफ फ्रांस लुई 16 इस किंग प्रिजन ऑफ बास्टिल के अंदर बहुत सारा आर्म्स, एमिनेशंस और अपने प्रिजनर्स को रखता था. पीपल attacked on it and destroyed completely and released all the 7 prisoners from it. इसके साथ बास्टिल के अटैक के बाद फ्रांस में बहुत सारी राइटिंग एक्टिविटीज स्टार्ट हो गई जो
फ्रांस के शहर पेरिस और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री साइड्स में शुरू हो गई थी एंड पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। आप कह सकते हो कि इस 14 जुलाई के इंसिडेंट के बाद और इन छोटे छोटे राइटिंग एक्टिविटीज़ को एक फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि एक बिग रेवोल्यूशन की चेन की स्टार्ट कह सकते हो। लगता है आप लोगों को स्टोरी समझ नहीं आई। अरे इस स्टोरी को मैंने मिड से स्टार्ट किया था, तो चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। 13th सेंचुरी में फ्रांस पर बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी। उनका किंग लुई 14 एब्सोल्यूट डेस्पोट था और सारी पावर को अपने कंट्रोल में रखता था। बहुत सारे युद्ध लड़े जिसकी वजह से फ्रांस पे डेब्ट आ गया, डेब्ट मींस कर्ज। उसके बाद फ्रांस के किंग बने लुई 15th, वो भी लगातार 7 years तक फॉर्ट में वॉर्स में बिजी रही, जिसकी वजह से ये जो डेब्ट था ये और इंक्रीज हो गया और लुई 15th एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं थे। उसके बाद रूल आता है हमारी स्टोरी के किंग का, जो है लुई 16। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उस समय फ्रांस के किंग थे लुई 16, जो 1774 में 20 ईयर्स के थे तो किंग बने। ही हैड वेरी गुड इंटेंशंस बट कुड नॉट ब्रेक बोल्ड डिसीजंस, और हमेशा बहुत आसानी से अपने डिसीजंस से पीछे हट जाया करते थे। उन्होंने मैरी एंटोइट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से शादी की, बट ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइट वॉज वेरी बैड एडवाइजर एंड शी वॉज फेमस फॉर हर हेयर स्टाइल्स एंड डिफरेंट डिफरेंट क्लासी ड्रेसेस। शी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर ड्रेसेस। व्हेन लुई 16 बिकेम द किंग ऑफ द फ्रांस, उसे लगा उसके पास बहुत सारा पैसा है, बट जब उसने देखा कि फ्रांस हैज़ अ फाइनेंशियल क्राइसिस, देन ही फेल्ट वेरी बैड। उसने 13th अमेरिकन कॉलोनीज को ब्रिटेन से फ्रीडम की स्ट्रगल में हेल्प की थी, जिसकी वजह से डेब्ट और इंक्रीज हो गया। उसने वर्साय के नामक एक जगह पर बहुत ही सुंदर भव्य एक महल बनवाया था शहर से दूर जंगल में, जिसके अंदर उसे एक कोर्ट किंग्स कोर्ट भी बनवाया। और इस वर्साय के पैलेस को मेंटेन करने में और इस कोर्ट ऑफ किंग को मेंटेन करने में बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता था, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिरर्स और प्रीसियस स्टोन्स का यूज़ किया गया था। फ्रांस ने जिस से पैसे बोरो किए थे उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हाई थी। जब फ्रांस का राजा किंग लुई 16 बना, उस समय फ्रांस पर 2 बिलियन लिवरे का डेब्ट था। लिवरे ये एक करेंसी होती है, जैसे हमारी करेंसी रुपीस है वैसे ही फ्रांस की करेंसी लिवरे है। अब इस करेंसी से अपने खाली खजाने को कैसे भरे? देन लुई 16 प्लान्ड समथिंग। उसने एक ही तरीका सूझा, वो था टैक्स को इंक्रीज करने का। जब बात टैक्स की आई है तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी स्टोरी में टैक्स देता कौन है। तो चलिए, उस समय फ्रांस जो है वो 3 स्टेट्स में डिवाइड था। फर्स्ट स्टेट जिसमें
क्लर्जी ऑफ चर्चेज आती थी, सेकंड स्टेट में नॉबिलिटी आती थी, और थर्ड स्टेट के अंदर बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिशियल्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिशंस, स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर, सर्वेंट्स, ये सब आती थी। लेकिन फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट कोई भी टैक्स पे नहीं करती थी, क्योंकि उनके पास वर्क प्रिविलेजेस था टैक्स ना देने का, और सारा टैक्स इस थर्ड स्टेट को ही पे करना पड़ता था। यही नहीं, जो फर्स्ट स्टेट है वो भी थर्ड स्टेट से एक टैक्स वसूल करती थी, रिलीजियस टैक्स, जिसको नाम दिया गया था टाइथ्स, और थर्ड स्टेट को एक और टैक्स पे करना पड़ता था जो कि डायरेक्ट स्टेट को दिया जाता था, दैट इज टाइल। अब आप इस कार्टून से समझ पा रहे होंगे कि थर्ड स्टेट की कंडीशन क्या थी, और इसके साथ साथ टैक्स की मार के अलावा फ्रांस में थर्ड स्टेट को सब्सिस्टेंस क्राइसिस का भी फेस करना पड़ा। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्सिस्टेंस क्राइसिस? एक्चुअली सब्सिस्टेंस क्राइसिस एक सिचुएशन होती है इन विच डेंजर ऑफ सर्वाइवल अकर्ड, मीन्स आपको जो बेसिक नेसेसिटीज वाली चीज़ें हैं वो नहीं मिलती हैं, जिससे आपके जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाता है। एक्चुअली 1715 टू 1789 जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो सडनली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, और जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उन्हें फूड ग्रेन की भी ज़रूरत होगी, जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की डिमांड भी बढ़ गई। जो लेबर्स थी वो फिक्स्ड और लेस वेजेस पे काम करती थी, उस समय पर हार्वेस्ट भी उतनी अच्छी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से स्कार्सिटी ऑफ फूड ग्रेन्स हो गया। स्कार्सिटी मीन्स कमी, यानी कि फूड ग्रेन्स में कमी हो गई, और लेबरर्स प्राइस हाइक होने की वजह से फूड ग्रेन्स नहीं खरीद पा रहे थे, जिसकी वजह से फूड रॉयट्स स्टार्ट हो गए। अब जब फ्रांस में ये सब इवेंट्स हो रहे थे, तभी राइज होता है एक न्यू सोसाइटी का, दैट इज मिडिल क्लास, जिसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते थे। दे बिलीव्ड इन न्यू आइडियाज एंड दे आर हाईली एजुकेटेड पीपल। देयर एम टू गेट इक्वालिटी एंड फ्रीडम, ये बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस के अगेंस्ट थे। इनका मानना था कि सोशल पोजिशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मैरिट, और ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज में भी बिलीव करते थे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, केवल मिडिल क्लास ही नहीं, उस समय के जो फिलासफर्स थे उन्होंने भी इस आइडिया को स्प्रेड करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जीन जैक्स रिसो, उन्होंने अपने बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की है, मीन्स ऐसी गवर्नमेंट जिसका लीडर और बाकी मेंबर्स को जो पीपल हैं वो इलेक्ट करें। जॉन लॉक, इन्होंने अपनी बुक टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन को स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट किया है। डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मतलब राजा जो है ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, और जो मोनार्क की एब्सोल्यूट राइट या पावर्स होती है उसके भी स्ट्रॉन्गली अगेंस्ट थे। और मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉज में पावर को अलग अलग लेवल पर डिवाइड करने की बात की है। इन सब फिलोसोफर्स के आइडियाज़ उस समय की पॉपुलेशन, सैलून्स, कॉफ़ी हाउसेस और न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स में डिस्कस करती थी, और ऐसी सिचुएशन में जब लुई 16 ने
टैक्स इंक्रीज करने की बात की तो लोगों को बहुत गुस्सा आया और वो अपना गुस्सा एक रिवॉल्यूशन के थ्रू निकालना चाहते थे। वो लुई 16 के अगेंस्ट हो गए। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशंस ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।